झारखंड के कोडरमा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शंकर यादव की दिल दहला देने वाली हत्या, धमाका कर उड़ाई गई स्कॉर्पियो। धमाके में कांग्रेस नेता शंकर यादव के साथ ही बॉडीगार्ड की भी गई जान, ड्राइवर की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को दिया अंजाम, ढाबे के पास खड़े ऑटो में रखा था बम स्कॉर्पियो के वहां पहुंचते ही किया विस्फोट। दिल्ली के जैतपुर इलाके में हुआ भीषण सड़क हादसा, पिता पुत्र की हुई मौत। एसयूवी की सिलेरियो से आमने सामने की हुई टक्कर, हादसे में महिलाओं समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका में रचा इतिहास, पोर्ट एलिजाबेथ में खेले गए 5वें वनडे में दक्षिण अफ्रीका को करारी शिकस्त देकर सीरीज पर किया कब्जा। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 73 रनों से हराया, 275 रनों के लक्ष्य का पीछा करते दक्षिण अफ्रीकी टीम 201 रन पर हुई थी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से हासिम अमला ने बनाए सबसे ज्यादा 71 रन, अमला को पांड्या ने रन आउट करते ही जल्द ढह गई पूरी टीम। टीम इंडिया ने की धारदार गेंदबाजी, आउट होने वाले 6 दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का दिया था न्योता, विराट के रनबांकुरू ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर बनाए थे 274 रन। 5वें वनडे में बोला रोहित शर्मा का बल्ला जड़ा शतक, 126 गेंदों में 11 चौके 4 छक्के की मदद से बनाए 115 रन, बने मैन ऑफ द मैच। शिखर धवन ने 34 और कप्तान विराट कोहली ने बनाए 36 रन, रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी करते हुए गफलत में रन आउट हुए विराट। श्रेयस अय्यर ने खेली 30 रनों की पारी, भुवनेश्वर कुमार 19 रन बनाकर रहे नाबाद। दक्षिण अफ्रीका की ओर से नजीदी ने 4 विकेट झटके, सीरीज का आखिरी और छठा मुकाबला सेंचुरियन में 16 फरवरी को होगा। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय महिला टीम ने भी फहराया परचम, सीरीज के पहले टी20 में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त। दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर बनाए थे 164 रन। भारतीय टीम लक्ष्य को बनाया बौना, 1 ओवर 1 गेंद पहले 168 रन बनाकर हासिल की जीत। मिताली राज ने जड़ा नाबाद अर्धशतक, 6 चौके 1 छक्के की मदद से 54 रन बनाकर अंत तक क्रीज पर डटी रही। जमीमा और वेदा कृष्णमूर्ति ने खेली 37-37 रनों की पारी, वेदा मिताली के साथ नाबाद लौटी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।